दोस्तों, क्या आप एक बजट गेमिंग लैपटॉप फाइंड कर रहे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई परफॉर्मेंस वाला भी हो? देन लिनोवो लीजियन वाईफाई 40 इज़ हियर। दोस्तों, ये लैपटॉप मैं 1 मंथ से यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको इसका अनबॉक्सिंग वाला वीडियो भी दिखाऊंगा एंड इसको रिव्यू भी करूंगा। साथ ही हम इस गेमिंग लैपटॉप में हाई क्वालिटी वाले कुछ गेम्स टेस्ट करेंगे, लाइक GTA 5 एंड क्रिकेट 2019। साथ ही हम फाइंड करेंगे कि क्या ये लैपटॉप हैवी टास्क वाले प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर को भी हैंडल कर लेता है। तो वीडियो को एंड तक देखना एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि हमारे चैनल पे Redmi Earbuds S का गिव अवे चल रहा है। अगर किसी को उस गिव अवे में पार्टिसिपेट करना है तो मैं आई बटन पे उस वीडियो का लिंक दे रहा हूँ, आप जाके चेक कर सकते हैं। दोस्तों, ये है Lenovo Legion Wi-Fi 40 का रिटेल बॉक्स। ये मैंने लिया है 66,000 रुपीज़ में। यहाँ पर इसका सीरियल नंबर, मॉडल नंबर सब कुछ मेंशन है। चलिए जल्दी से इसको अनबॉक्स करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमें ऊपर रखा हुआ मिल जाता है ये हमारा Lenovo Legion लैपटॉप। नाइस पैकेजिंग है। उसके बाद हमें मिल जाता है ये चार्जर जो कि 2 पार्ट में डिवाइडेड है, जिसमें ये दोनों कनेक्ट होके एक लॉन्ग केबल बन जाएगा। दोस्तों, ये 170 वॉट का फास्ट चार्जर है जो कि काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से हमारे लैपटॉप को चार्ज कर देगा। सो एक अमेजिंग बात है एंड बिग थम्स अप फॉर Lenovo। काफ़ी ज़्यादा नाइस पैकेजिंग है। मैं जल्दी से इसको बाहर निकाल देता हूँ। एंड ये रहा दोस्तों Lenovo Legion Wi-Fi 40 जो कि काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लुक के साथ आ रहा है। एंड दोस्तों, ये टेक्सचर फिनिश के साथ प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी में आता है। मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा इसका ये डिज़ाइन। एंड जैसा कि आप सुन रहे हैं, टेक्सचर फिनिश डिज़ाइन में है ये। चलिए जल्दी से लिड को ओपन करते हैं। वाओ, सीरियसली काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल लुक है इस लैपटॉप का। चलिए जल्दी से इसको बूटअप कर लेता हूँ एंड क्विकली सेटअप कंप्लीट करने के बाद आपको मिलता हूँ। तो दोस्तों, इसका सेटअप मैंने कर लिया है कंप्लीट। सबसे पहले बात करें इसके डिज़ाइन की, तो प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी है विथ टेक्सचर फिनिश ऑन टॉप। एंड ये सीरियसली काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लुकिंग लैपटॉप है। लैपटॉप के दोनों ही साइड आपको USB 3.1 पोर्ट देखने को मिलते हैं एंड साथ ही लेफ्ट साइड आपको 3.5 mm वाला हेडफोन जैक भी देखने को मिलेगा। दोस्तों, इसके मोस्ट ऑफ द पोर्ट्स बैक साइड है एंड साथ ही आपको उन पोर्ट्स में USB टाइप सी भी देखने को मिलेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये USB टाइप थंडरबोल्ट सपोर्ट नहीं कर रहा। बात करें इसके ट्रैक पैड के डिज़ाइन की, तो सॉलिड ट्रैक पैड देखने को मिलता है इसमें। डिज़ाइन स्मॉल है लेकिन फंक्शन एक्यूरेटली करता है, लाइक क्लिक्स एंड स्वाइप्स। बात करें इसके कीबोर्ड की, तो इसमें आपको मिलता है फुल बैकलिट कीबोर्ड विथ नंबर्स। फुल लेआउट वाला कीबोर्ड होने की वजह से आपको गेट टू यूज़ होने में थोड़ा टाइम लगेगा इस कीबोर्ड के साथ। लिटल ट्रैवलिंग स्पेस है बिटवीन द कीज़, बट फिर भी टाइपिंग एक्सपीरियंस काफ़ी कमाल का है इस लैपटॉप का। बात करें इसके ऑडियो परफॉर्मेंस की, तो ऑडियो बाय हारमोन मिलता है इसमें आपको। नाइस डिसेंट साउंड है इस लैपटॉप का। दोस्तों, बात करें इसके डिस्प्ले क्वालिटी की, तो ये वेरिएंट मैंने लिया है फुल HD IPS LCD विथ 60Hz रिफ्रेश रेट एंड इसमें आपको मिल जाती है 250 nits ऑफ ब्राइटनेस। इसके व्यूइंग एंगल्स मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे, व्यूइंग एंगल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें आपको नाइस कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है एंड ओवरऑल डिसेंट कलर देखने को मिलते हैं। दोस्तों, ये लैपटॉप गेमिंग करते टाइम आपको काफ़ी ज़्यादा नाइस कलर्स शो ऑफ करता है, लेकिन अगर आप इसमें वीडियो देखते हैं तो इन कंपेयर टू गेम्स, वीडियोस में कलर आपको थोड़े से डल लगेंगे। दोस्तों, बात करें इस लैपटॉप के बैटरी बैकअप का, तो ये लैपटॉप आपको देता है अप टू 3 आवर्स का बैटरी बैकअप एंड समटाइम्स इससे भी ज़्यादा लेस अगर आप इस लैपटॉप में कोई हैवी टास्क कर रहे हैं या फिर कोई हैवी गेम खेल रहे हैं। बट दोस्तों, इसमें आपको मिलता है 170 वॉट का ह्यूज चार्जर जो कि आपके लैपटॉप को काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से चार्ज कर देगा। दोस्तों, अगर बात करें इसके सॉफ्टवेयर की, तो ये वेरिएंट जो मैंने लिया है आता है 9th जनरेशन इंटेल कोर i5 के साथ। अगर वन थिंग आप नोटिस करेंगे
तो इसमें लिखा है i5-9300H, मीन्स कि ये एच सीरीज़ का प्रोसेसर है। जनरली मोस्ट ऑफ़ दी बजट लैपटॉप में आपको यू सीरीज़ के प्रोसेसर मिलते हैं, जो कि एक्चुअली लो पावर प्रोसेसर होते हैं इन कंपेयर टू एच सीरीज़ प्रोसेसर। दोस्तों आपको पता है एप्पल के मैकबुक क्यों ज़्यादा बेटर परफॉर्म करते हैं इन कंपेयर टू विंडोज़ लैपटॉप? बिकॉज़ एप्पल के मैकबुक में जो प्रोसेसर आपको मिलता है वो ऑलवेज एच सीरीज़ का ही प्रोसेसर होता है। तो आगे से आप जब भी कोई लैपटॉप परचेस करना चाहे फॉर हैवी टास्क या फिर गेमिंग पर्पज़, तो आपको ये प्रोसेसर वाली बात ध्यान में रखनी है। दोस्तों बात करें इसके रैम की, तो ये जो वेरिएंट मैंने लिया है उसमें है 8 GB की DDR4 रैम, साथ ही इसमें है एनवीडिया का GTX 1650 4 GB का ग्राफिक कार्ड, जो कि मोस्ट ऑफ़ दी हाई क्वालिटी वाले गेम्स इजीली हैंडल कर लेता है। दोस्तों लिनोवो लीजियन वाईफाई 40 में आपको कोर i5 के साथ एक दूसरा वेरिएंट मिलता है, जिसमें आपको 256 GB की SSD एंड 1 TB की SSD देखने को मिलेगी। लेकिन मैं पर्सनली प्रीफर करूँगा 512 GB SSD वाला वेरिएंट। लेकिन आपको स्टोरेज ज़्यादा चाहिए तो आप 256 GB SSD एंड 1 TB HDD ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। दोस्तों लिनोवो लीजियन वाईफाई 40 में इसका और एक टॉप वेरिएंट भी आता है, जो आता है 9th जनरेशन इंटेल कोर i7 के साथ, जिसमें आपको 16 GB रैम, 1 TB की SSD एंड साथ ही 6 GB का GTX 1660 टाइटेनियम वाला ग्राफिक कार्ड देखने को मिलता है। लेकिन उसकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा है, वो आपको पड़ेगी 1,11,000 के आसपास। तो दोस्तों चलिए अब इस लैपटॉप में हम गेम्स टेस्ट कर लेते हैं। दोस्तों इसमें हम टेस्ट करने वाले हैं GTA 5, जो कि अराउंड 90 GB की गेम है, एंड क्रिकेट 2019, जो कि एक बेस्ट एवर क्रिकेट गेम है, अराउंड 26 GB। तो जैसा कि आप देख रहे हैं GTA 5 काफ़ी ज़्यादा स्मूथली चल रहा है। इवन मैं इस गेम को हाई सेटिंग्स में खेल रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे कोई लैग देखने को नहीं मिल रहा। चलिए दोस्तों अब टेस्ट करते हैं क्रिकेट 2019। तो अगेन ये भी काफ़ी ज़्यादा स्मूथली चल रहा है इसमें, एंड मुझे सो फार कोई भी लैग देखने को नहीं मिल रही। तो गेमिंग परफॉर्मेंस में मुझे ये लैपटॉप टॉप क्वालिटी का लगा। नाउ दोस्तों चलिए देखते हैं इसका फाइनल वर्डिक्ट। तो मैं कहूँगा कि ये एक नाइस लुकिंग प्रीमियम क्वालिटी का लैपटॉप है विथ प्रोफेशनल लुक्स। काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है इन कम्पेयर टू अदर गेमिंग लैपटॉप्स, एंड ये ऑलमोस्ट एवरी हैवी टास्क हैंडल कर लेता है जो भी आप इस पे करना चाहते हो। अगर आप चाहे तो इस लैपटॉप को आप कैरी कर सकते हैं अपने ऑफिस पे, एंड साथ ही आप इसमें कोई भी हैवी टास्क वाला गेम भी खेल सकते हैं। सो ओवरऑल इट्स अ गुड हार्डकोर गेमिंग लैपटॉप विथ बजट प्राइस रेंज। दोस्तों इस लैपटॉप को मैं यूज़ कर रहा हूँ एज माय डेली ड्राइवर, एंड इसको मैं यूज़ करता हूँ सारे वीडियोस एडिटिंग करने के लिए एडोब प्रीमियर प्रो में। एंड सीरियसली ये काफ़ी ज़्यादा स्मूथली वर्क करता है इन टर्म्स ऑफ एडिटिंग द वीडियोस। सो अगर आप इस लैपटॉप को परचेस करना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप जाके चेक कर सकते हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है, ये एक बेस्ट बजट गेमिंग लैपटॉप है? मुझे बताना है नीचे कमेंट सेक्शन में। अगर आपके नज़र में कोई लैपटॉप ऐसा भी है जो इससे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो प्लीज़ मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में सजेस्ट करिएगा। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में और एक इंटरेस्टिंग अनबॉक्सिंग के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग।